आज का एजेंडा ये है कि हम तीनों दोस्त हैं और हम काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे यू नो टू क्रिएट कॉन्सेप्ट्स राइट एंड डेवलप स्टोरीज और ये बातें बहुत टाइम से चल रही थी टिल फाइनली तानिया केम अप विद अ रियली इंटरेस्टिंग आइडिया कॉन्सेप्ट एंड वी डेवलप मोर ऑन इट एंड देन वी सेड कि यार ये बातें होती रहती हैं यू नो पीपल की keep talking about concepts here and there, let's put it all together and form a little bit of a chota sa lovely company which is creatively based, concept based and it was a beautiful name called Junip which jo Tanya batayengi unka meaning kya hai and Junip jo hai ye company hai it's creative ideas ke liye concepts ke liye jo aage ja ke banengi ya to television mini series ya to films for television satellite as well as for the internet so it's a whole like it's a box where you have these really creative ideas that are going on even music actually yes and this is Tanya and of course Harsh and we're working on it together Tanya absolutely in fact like Vishal said I think pichle almost डेढ़ या दो साल से ये बातें चल रही थी अबाउट यू नो वेरियस कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिस्कस्ड एंड वन ऑफ द ब्रिलियंट थिंग्स आई थिंक अबाउट थ्री ऑफ अस इज नॉट ओनली दैट वी वर्किंग टुगेदर बट वी आर फ्रेंड्स एंड वी हैव द सेम वाइब्स आई थिंक वी लुक एट सिनेमा द सेम वे सो व्हेन एवरीथिंग वाज इन सिंक सारी एनर्जी जितनी मैच हो रही थी तो हमने डिसाइड किया कि द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू फॉर्म अ स्मॉल कंपनी एंड स्टार्ट वर्किंग टुगेदर So of course yes it's all about creativity it's about content that we believe in from our heart and we definitely have a lot of stories to say so it's all going to be under Junip and like you said Junip is derived from the word juniper which means an evergreen shrub so it's always blooming and it's evergreen and that's what we're hoping for our company yeah, also yeah hoping that Ashutosh aap se jana chahenge acting and now behind the scenes kaisa experience rahega ye so actually अगर मैं कहूँ कि एक्टिंग इज़ माई पैशन तो वो सही है और गलत भी है एक तरह से बिकॉज ओनली एक्टिंग इज़ नॉट माई पैशन लाइज इन द इंटायर क्रिएटिव मीडियम यू नो बी इट म्यूज़िक बी इट एक्टिंग बी इट ब्रेन स्टॉमिंग विद दीज गाइज ऑन आइडियाज एंड ऑन द स्क्रिप्ट एंड ऑफकोर्स क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग आई थिंक दैट इज़ द मैजिक ऑफ दिस क्रिएटिव विजुअल मीडियम यू नो you have an idea and then it turns into a script and then you have actors and then you have music and suddenly it's there it's tangible so I think so yeah so I think I'm in love with that idea so और that's what drives aur aajkal kya hai rules nahi hai ki aapko koi rules nahi hai jo internet aur web series aa gaye hain netflix hai amazon hai aur bahut sare aise channels hain even indian like sony live maine ek show kiya tha sony live pe love bites jo abhi uska season 2 aa raha hai बूट है द वायरल फीवर है टी वी एफ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कंटेंट ले रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं कि हमें डायरेक्शन स्कूल जाना होता है या वी हैव टू फॉलो अ प्रोटोकॉल अगर आपके पास एक आइडिया है दिस इज़ द डे एंड एज टू कम आउट विद दैट आइडिया एंड से हम ये बना सकते हैं एंड गुड टूडे इसीलिए आप देख रहे हो कि मतलब कोई अपना फ़ोन लेकर अपना ही वीडियो एक कैरेक्टर बना के इट इज़ डूइंग सो वेल and they become celebrities तो आजकल कोई protocol नहीं है और इसी दौरान जब हम लोग बात कर रहे थे that's how the company idea came क्योंकि हम तो बैठ के घर पे idea दे सकते हैं और बोल सकते हैं यार ये shoot करें चलो camera लेके नीचे जाके shoot करके उसको post कर देते हैं but I feel कि अगर एक company हो तो उसके through we have lots of ideas that have gone bounced up and down हमारे resources तीनों के साथ में आ जाते हैं and plus when we are pitching for the shows we have also more
एरियाज टुडे टू पिच. उसके अंदर एज एक्टर्स हमारा एक सेल्फिश इंटरेस्ट भी पूरा हो जाता है कि अगर हम अब किसी कैरेक्टर में फिट होते हैं तो हम वो खुद ही प्ले कर लेंगे और हमें खुद को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे. हाँ एक्चुअली जब 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 किसी एक्टर को हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम ही एक्टिंग कर लेते हैं. हाँ नहीं बट जोक्स अपार्ट दिस इज इट्स अ स्मॉल लिटिल स्टेप इनटू इट. हम डेफिनेटली ये कोशिश है कि अच्छा कंटेंट दें बिकॉज वी बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम और मैंने बहुत सारा टेलीविजन देखा हुआ है, मूवीज देखे हुए हैं, म्यूजिक वीडियोज देखे हैं, लेकिन जो वेब और इंटरनेट का जो ये दौर है वो सबके लिए फ्रेश है. बहुत सारे बड़े कंपनीज भी जंप कर रहे हैं, बहुत छोटे भी, लेकिन नोबडी नोज द फॉर्मूला बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू बी अ हिट. तो ये बड़े लोगों के एक्सपीरियंस का खेल नहीं है या फिर इट कैन बी एनीबडी टुडे बिकमिंग अ स्टार ऑन द वेब. सो आर होल मोटिव इज विदाउट गोइंग टू लॉन्ग इनटू दिस के जूनिप इज गोइंग टू बी अ क्रिएटिव बॉक्स क्रिएटिंग कंटेंट एंड होपफुली यू विल सी अ लॉट ऑफ इट. So, like Kushal was saying that out of all the ideas that we had been bouncing, the pehla idea which clicked for all of us is actually the heart of that story is music, and it's very obviously it's musical. It comes from the heart of India. It comes from a small town in Lucknow. It's a rock band, and we are calling it tentatively SARS. So that is the project that we are developing, and that's going to be the first project that we are looking at from Junip. I think SARS obviously musically inclined है. ये show जो ये mini series की तरह हम लोग pitch कर रहे हैं, develop कर रहे हैं. इसमें there is a lot of music. और पहली बार इसका एक motion soundtrack भी हो सकता है as we develop. इसमें Sufi music होगा, बहुत earthy Indian music होगा. So the background is musicians. They are actors and musicians. It's about the drama, the politics, the fame, the money, the good and the bad side. The emotions of friendship. And the core values of friendship. Absolutely. And love. Yeah. You know. Absolutely. So, हमारे पास बहुत सारे ideas थे और उसमें से we picked this as our first baby क्योंकि it has the element of everything involved. So, कोई भी देखेगा they'll be intrigued by if you like drama, yes. अगर आपको music अच्छा लगता है, original music, आपको ये देखने को मिलेगा. If you like we've always had yes. Dil Chahta Hai in our systems. We love that movie. This is friendship from there also, and it has ups downs, so hame ye laga ki this is the first baby that we should go ahead with. Or yeah, I think all of us well with all three of us, so that was the decision. That अभी तक मैंने ऑडिशन नहीं किया अपने शो के लिए. इफ आई पास द ऑडिशन मैं भी एक्टिंग कर लूंगा. बट आई थिंक 99% हम इस बार इस पे एज क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस. और एक्टिंग के लिए आई थिंक वी विल सी व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप. एक्चुअली थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर 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 संजय सर या थैंक यू ऑल गुड सर. ठीक है चलो ना क्या लॉन्च. एक मिनट. हाँ बस 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 बस. Both the mothers here, please. All the beautiful people here. Sir. Ladies and gentlemen, SARS, give a big round of applause. Sir, एक पिक्चर कर ले. सर फोटो सर एक पिक्चर कर ले सर प्रॉपर. हाँ Thank you.
सर एक वाइट कर रहे थे सर सास का आपने आगे किया जुनित आज जुनित एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से साज इस वेब सीरीज का इनॉग्रेशन हुआ है। जुनित से जुड़े तीनों जो बच्चे हैं वो नई जनरेशन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर हैं। नए जनरेशन को टेलीविज़न से ज़्यादा वेब सीरीज में इंटरेस्ट है और वेब सीरीज जो है हमारा सिनेमा की दुनिया का एक नया दौर है और ऐसे में इस नए दौर में जो नई पीढ़ी है बहुत धमाकेदार एंट्री कर रही है। इस नई पीढ़ी को मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। साज का आगाज बहुत जबरदस्त हो ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ और जुनित एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो नई प्रोडक्शन कंपनी तैयार हुई है ये कंपनी बहुत आगे जाए और साज जैसी कई आवाज पूरी दुनिया को सुनाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बगैर स्क्रिप्ट के बोला है आपका रोल पक्का है सर।